أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तो वसीला एक किस्म की दुआ है और दुआ इबादत और इबादत के लिए जरूरी है कि वो इबादत अल्लाह के रसूल के हो कि अपनी हाजत बरारी और जरूरत को पूरा करने के लिए वसीला लेना मिसाल के तौर पर कोई शख्स भूख मिटाने के लिए खाना खाने का वसीला ले, ले। किसी शख्स की नजर कमजोर है तो अपने दूर देखने के लिए या पढ़ने के लिए चश्मा का वसीला ले, ले। कोई शख्स अगर बीमार हो गया है तो अपनी शिफा याबी के लिए इंसान दवा का वसीला ले किसी दुश्मन से बचने के लिए अगर किसी की मदद तरफ मांगी जा रही है उसकी पनाह में आया जा रहा है तो शर्त यह है कि वो शख्स मौजूद हो मौजूद हो कादिर हो और जिंदा हो ये तीनों हो जिन होनी चाहिए अगर मौजूद नहीं है तो उससे मदद नहीं मांगी जाएगी अगर वो कादिर नहीं है तो उससे मदद नहीं मांगी जाएगी अगर जिंदा नहीं है तो उससे भी वसीला नहीं तलब किया जाएगा यह दुनियावी उमूर से मुतालिक है فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب बसिमलर आम्र रबिन व्ला नबी जना महमद वलि वी अजमैी प्यारे भाइयो अल्लामक व वबरक दूसरा वो अमल जो इस्लाम के मुनाफ़ी है या जिसे नाक़द इस्लाम कहा जाता है या जिसके इरतक़ से बंदा मज़हब से कुल्ली तौर पर ख़ारिज हो जाता है वो है कि जो शख़्स अल्लाह और अपने दरमियान किसी को वसीला समझ करके पुकारे उससे शफात का तलब रहे उसी पर तवक्कुलों भरा भरोसा करे ऐसा शख्स भी के नज़दीक मुतफ़ा तौर पर काफिर है इसमा का आजमा है इसमें दो चीज़ें बयान हुई हैं एक वसीला है और दूसरी शफात है वाज़िर रहे कि ये भी एक किस्म का शिरक है ये शर्क फिलूहत भी है यानी अल्लाह तबारक व ताल के हक़ में भी शिरक है और अल्लाह तबारक व ताल की रबूबीत यानी अल्लाह तबारक व ताल के कामों में भी शिरक है लेकिन चूँकि ये बहुत आम है इसलिए शेख मोहम्मद अब्दुल्हाबाब रहल्ल ने इसे अलग से बयान किया है सबसे पहले हम ये जाने कि वसीला का माना क्या है फिर शबाद की तरफ आएँगे देखिए वसीला का असल माना अरबी ज़ुबान में होता है बरेज़ा और रगबत किसी के करीब होना और किसी का काब हासिल करना किसी के नज़दीक पहुँचना तौर पर जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस में वारिद है वसीला वो नेक आमाल हैं जिनके ज़रिए बंदा अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रब हासिल करता है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है यादीन आ मन तकुल्ल इलैहिल वसीला ए ईमान वालो अल्लाह तबारक तआला से डरो वब तगु इले वसीला और उस तक पहुँचने का वसीला इख्तियार करो और उसकी मिसाल क्या दी वजाहिद फी सबीली और उसके अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो इस हदीस की तफसीर मुफस्सरीन कहते हैं कि ए इलाई ही बिता वल अमल बिमा उड़दी यानी अल्लाह तबारक तआला की एतात करके और हर वो अमल जो अल्लाह ताला को पसंद है वो करके अल्लाह ताला का काब हासिल करना लेकिन यहाँ पर अलैहि अल्हमा ने इससे ये वसीला नहीं मुराद लिया है बल्कि इससे वो वसीला मुराद लिया है जो आम लोगों के नज़दीक मारूफ है यानी अपनी हाजत बरारी के लिए और अपनी दुआ की कबूलियत के लिए अपने और अल्लाह के दरमियान किसी वली और किसी नेक बंदे का वसीला लेना या अपने किसी शरई मकसूद तक पहुँचने के लिए या अपने अमकसूद तक पहुँचने के लिए किसी और पर एतमाद और तवक्ल करना यही चीज़ वसीला है देखिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कहते हैं कि अवला तो वसीला की दो किस्में हैं एक वसीला मशरू है और एक वसीला ममनू है इसलिए हमें कहा जाता है कि हम वसीला को नहीं मानते नहीं वसीला दो किस्म का है वो वसीला जो शर्य तौर पर साबित हो और वो वसीला जो शर्य तौर पर साबित नहीं है जो वसीला शरा तौर पर साबित हो उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व ताल की मारफ़त हासिल करने के लिए उन आमाल को उन इबादत की मार्फत हासिल करने के लिए जिनके ज़रिए हम अल्लाह की रिदा हासिल कर सकते हैं अल्लाह तक पहुँच सकते हैं अल्लाह की जन्नत के हकदार हो सकते हैं इन आमाल की मार्फत के लिए नबियों का वसीला लेना का वसीला लेना की किताबों का वसीला लेना जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह यी मीनम व मिनन् नास अल्लाह तबारक तआला फ़रिश्तों में से जिसको चाहता है अपना पैगाम पहुँचाने के लिए उसका इंतखाब कर लेता है और लोगों में से जिसे चाहता है अपना पैग़ाम पहुँचाने उसे चुन लेता है तो गोया अल्लाह के रसूल जो हैं वो बंदों और अल्लाह के दरमियान वसीला हैं उन आमाल के जानने के लिए जिन अमाल को अदा करके बंदा अल्लाह ताला को राज़ी कर सकता है़ुलमा और ये किताबें हमारे पास जो मौजूद हैं ये किताबें वसीला हैं अल्लाह तबारक वाली की रजा और उसका हासिल करने के लिए ये एक माना है वसीला का दूसरा माना वसीला जो शरीयत तौर पर साबित है वो ये है कि अपनी हाजत बरारी और ज़रूरत को पूरा करने के लिए वसीला लेना मिसाल के तौर पर कोई शख्स भूख मिटाने के लिए खाना खाने का वसीला ले लें किसी शख्स की नज़र कमजोर है तो अपने दूर देखने के लिए या पढ़ने के लिए चश्मा का वसीला ले कोई शख्स अगर बीमार हो गया है तो अपनी शिफा याबी के लिए इंसान दवा का वसीला ले यह चीज़ जायद है लेकिन शर्त यह है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अल्लाह तबारक तआला ने जायद करार दिया हो इसी तरह किसी दुश्मन के ख़तरे से बचने के लिए किसी से मदद तलब करना या किसी की पनाह तलब करना ये भी एक किस्म का वसीला है लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि किसी दुश्मन से बचने के लिए अगर किसी की मदद तलब मांगी जा रही है उसकी पनाह में आया जा रहा है तो शर्त यह है कि वो शख्स मौजूद हो क़ादिर हो और ज़िंदा हो ये तीनों हो चीन होनी चाहिए अगर मौजूद नहीं है तो उससे मदद नहीं मांगी जाएगी अगर वो कादिर नहीं है तो उससे मदद नहीं मांगी जाएगी मिसाल के तौर पर एक अपाहिज है एक लूला है दरिया के किनारे बैठा हुआ है और आप दरिया में डूब रहे हैं और आप उससे कहें तो मुझे बचा लो तो क्या है वो शख्स ज़िंदा हो कादिर हो और मौजूद हो अगर ज़िंदा नहीं है तो उससे भी वसीला नहीं तलब किया जाएगा ये दुनियावी अमूर से मुतालिक है दूसरी चीज़ यह है कि जैसे दुआ की कबूलियत के वसीले वसीला दुआ की कबूलियत यानी हम अल्लाह हमारी दुआ अल्लाह कैसे कबूल करें हम इसके लिए वसीला तलब करें ये चीज़ भी जायद भी है और बात सूरतें हैं जो नाजायद की जो जायज़ सूरतें हैं वो क्या है अल्लाह ताला के तस्मा सिफ़ात का वसीला लेना जैसा कि कुरने मजीद में वल्लस्मा हसना फ़ज भी हा अल्लाह ताला के लिए प्यारे प्यारे नाम हैं उन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारो अलीजू बिया जल जलाली वली क्राम अल्लाह तबारक व तला के इसमें जल जलाल वली क्राम से चिमट जाओ यानी उस अल्लाह का क़ुरब हासिल करें इनका वसीला लो इसी तरीके से अपने आमाल साल का वसीला बंदे ने कोई अमल जो है अल्लाह की रजा के लिए किया है उसका वसीला लेकर के अल्लाह तला से दुआ करे कुरान मजीद में भरी पड़ी है ऐसी आयत रब बना आमन्ना फिर अल्लाह तला हम ईमान ले आए रब बना इन समय ईमानी अरे अल्लाह तला हमने एक पुकारने वाले की निदा सुनी कि अल्लाह परीमाना तो हम ईमान ले आए हैं लिहाजा तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे कुरान मजीद में यह चीज़ भरी पड़ी है और वो तीन आदमी जो सही बुखारी में जिनकी हदीस है वो गार में फंस गए थे तो उन्होंने अपने आमाल साल का वसीला लिया इसी तरीके से किसी नेक और सालिह बंदे की दुआ का वसीला लेना उसके पास जाए इंसान और कहे कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए अब अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा यह जायद में वसाइल में से है लेकिन उसके लिए भी शर्त रखते हैं कि वो शख्स ज़िंदा और हाजिर हो वो ज़िंदा और हाजिर हो दूसरी शर्त यह है कि नेक और मुतब सुन्नत हो और तीसरी शर्त उलमा रखते हैं कि असल तवक् भरोसा अल्लाह तला पर किया जाए कि असल बनाने वाला बिगाड़ने वाला कौन है अल्लाह है ये बुज़ुर्ग की दुआ को हम सिर्फ बतौर वसीला के ले रहे हैं अलबतः गैर साबित शुदा जो वसाइल हैं वो मुतद हैं मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी की ज़ात का वसीला ले किसी नबी की जात का वसीला ले या किसी नबी के जाहो मकाम का वसीला ले या किसी शख्स सक शख्स के हक़ का वसीला ले जैसे इलाही बहक के बनी फ़ातिमा जिसे कहा जाता है बनु फ़ातिमा के हक तो ये ऐसे वसाइल हैं जो शरीयत के अंदर साबित नहीं है ये नाजायज़ वसाइल में होंगे क्यों इसलिए कि वसीला एक किस्म की दुआ है और दुआ इबादत है और इबादत के लिए ज़रूरी है कि वो इबादत अल्लाह के रसूल से साबित हो वरना आपने फरमाया है मन अहद फ़ी अमरीना माई सबिन जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद करे जो उसमें नहीं है तो वह मरदूत करार दी जाएगी तो ज़रूरी है कि इस चीज़ का सबूत होना चाहिए और कुरान 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 और, और हदीस में इसका कोई भी सबूत नहीं है कि अल्लाह के रसूल सम ने कभी किसी की ज़ात का किसी के जाह का या किसी के हक़ का वसीला लेने की हमें दावत दी हो इसीलिए आप देखें तो फ़िके हनफ़ी की जो मशहूर और किताबें हैं उसमें भी जैसे बहर्रायक वगैरह में है उसमें भी इस चीज को नाजायद करार दिया गया है इसी तरीके से किसी गैर मौजूद या मुर्दा शख्स की दुआ का वसीला लेना जो वसीला आज बहुत आम है इस माना में कि उससे दुआ तलब करे या वसीला और शफात करने वाला समझ कर खुद उसी को पुकारे जैसा कि आज यह सूरत बहुत आम है और यह शिर के अकबर में दाखिल है

किसी और से दुआ मांगता है किसी और को पुकारता है जो गैर क्यामत तक उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकता बल्कि हकीकत तो यह है कि वो उनकी दुआओं से गाफिल है वो जानते भी नहीं कि मुझे कौन पुकार रहा है वही था खुशीरनास और जब क्यामत के दिन सारे लोग उठाए जाएंगे तो कानू ल ये सारे के सारे उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इस इबादत का इस दुआ का वो इनकार करेंगे अल्लाह ताला फरमाता है यूनुस में मिन मा ला यदुरहु मा ला माला यदुर को छोड़ करके उन लोगों को ये पुकारते हैं अपनी मकसद बरारी के लिए जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना फ़ायदा दे सकते हैं वाजह रहे कि यही वो वसीला है यही वो शर्क है जो नबी करीम अलैहि वसल्लम और मक्का के मशरकिन के दरमियान महल्ले खिलाफ़ रहा है इसी की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल वम ने और अल्लाह तुहे काफिल और मशरक करार दिया है इसी की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने उनसे कत्लो कताल किया है इसी की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने उन्हें गुमराह करार दिया है जैसे कि कुरान मजीद बयान फरमाता है कि इल्ला हम तो इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह करीब कर देंगे वही आपके सामने शुरू में रखी उसमें अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह को छोड़ करके ऐसी रातों को पुकारते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं ना या ना फायदा दे सकते हैं और वो कहते हैं कि ये हम अल्लाह के नदी हमारे हमारी सिफारे लिए सिफ़ारिश करेंगे अल्लाह तरमाता है कुल वला फिल अर्द। क्या, तुम अल्लाह तला को वो बातें बयान कर रहे हो जिन बातों को अल्लाह तला आसमान जमीन की नहीं जानता अल्लाह तुम जानते हो सुबहानत आला अम्मा युषर अल्लाह ताला पाक है और बुलंद है उनके इस शिरक से किस शिरक से इसलिए नहीं कि उनकी इबादत कर रहे हैं बल्कि अल्लाह तबारक तआला के नजदीक शिफारसी के और अल्लाह के लिए वसीला के तौर पर वो इन्हें पुकार रहे हैं तो ये वसीला कुल्ली तौर पर इस्लाम के मुनाफी है दूसरी बात जो इस कही गई है इस नाकिद में वो शफात है देखिए वसीले का ताल्लुक उमूमा दुनिया से है और शफात का ताल्लुक उमूा क्या है आखिरत से है यानी वसीला दुनिया में तलब किया जाता है और शफात कहाँ तलब की जाएगी आखिरत

ना दोस्ती होगी ना शफात होगी इसलिए कि कोई चीज़ कोई मकसद तीन तरीके से हासिल किया जाता है यानी अपने कोई चीज़ दे करके हासिल करें या दोस्ताना ताल्लुक़ है उसकी वजह से हासिल कर ले या कोई आदमी किसी की सिफारिश करे उससे दे दे और ये तीनों चीज़ें आखरत में नहीं पाई जाएंगी और ये शफात जो है वो काफीन और मशरकिन के लिए है इसकी नफी है जैसे जैसे है फमालना मिन शाफी वला सदीक़र हमीम कोई हमारी सिफारिश करने वाला नहीं है ना कोई हमारा दोस्त है दूसरी शफात मोहिदीन के लिए और ममिन के लिए है इस शफात के हसूल के लिए तीन शर्तें रखी हैं पहली शर्त यह है कि कि यह शफात उसी वक्त होगी जब अल्लाह तबारक वाला की तरफ से इजाजत होगी अल्लाह फरमाता है आयतुल कुर्सी में इंदहू इल्ला बेदनी। कौन है जो अल्लाह के पास सिफारिश करे मगर यह इजाजत शिफात करने वाले के लिए भी है और जिसके लिए सिफारिश की जाएगी उसके लिए भी है दोनों के लिए इजाजत होनी चाहिए दूसरी शर्त यह है कि यह शफात उसी को मिलेगी जिसके अमल से अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा यानी काफिर और मुशरिक के लिए नहीं क्यों वला यरदा लिइबादेही अल कुफरा अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए कुफर से राजी नहीं है तभी तो अल्लाह ताला फरमाता है वह कम मिम्बलकिन फिस समावाती ला तुगनी शफाअतुहुम शैयन इल्ला मिम्बादी अन्यादन अल्लाहु लिमन यशाओ वहीदा यह तीन शर्तें रखी है। कि हैं कितने ऐसे फरिश्ते हैं आसमान में कि उनकी शफात कुछ भी काम नहीं आएगी मगर कम बाद इसके कि अल्लाह ताला इजाजत दे दे बाद इसके कि अल्लाह ताला जिसके चाहे लिए चाहे दस हर के लिए नहीं और बाद इसके की अल्लाह तबारक वाली उस शफात से शफात करने वाले से जिस बात की जाए उससे राज़ी हो जाए और तीसरी शर्त उलमा ने रखी है कि यह शफात मुतलक नहीं है उतनी ही होगी जितने की अल्लाह ताला इजाजत देगा इसीलिए सही बुखारी में अल्लाह के रसूल की जो हदीश शफात से मुतक है अल्लाह तल्ला फरमाते फिर मैं सिफारिश करूंगा और मेरे लिए एक हद मुतन कर दी जाएगी उससे आगे मुझे सिफारिश का हक नहीं होगा और ये बात तीन बार सही बुखारी की हदीस में है फ़जशफ फ़जो हदली हद मैं सिफ़ारिश करूँगा और मेरे लिए एक हद मत की जाएगी तो यह शफात जो क़्यामत के दिन साबित है वो मोमिन और माहिदीन के लिए है अलबत् जो शफात शिरक और कुफ रहे वो किसको को किसके लिए है वो काफिर और मश्रकिन के लिए है कि वो शफात मिलने वाली नहीं है السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله